दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों इसरो ने हाल ही में एक नए तरह के स्पेस प्लेन कॉन्सेप्ट को रिवील किया है। इसरो ने इस स्पेस प्लेन कॉन्सेप्ट का नाम TSTO रखा है। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट होने वाला है। भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए ऐसे प्लान्स रिवील किए हैं जिसमें एक 2-stage 2-orbit स्पेस प्लेन कॉन्सेप्ट डिवेल्प किया जाएगा जो कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन स्पेस व्हीकल्स की डिवेलपमेंट में असिस्ट करेगा। इसमें कुछ ऐसी इंजन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा जो कि हमारे लिए हाइपरसोनिक ट्रैवल को मुमकिन बना सकती हैं। ये एक ऐसे इंजन्स को डेवलप करने में मदद कर सकता है जो कि भारत के एक क्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है और हमारे एक क्राफ्ट हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे टर्बो रैमजेट इंजन के बारे में जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस इंजन के इस्तेमाल से एक क्राफ्ट जमीन से खुद लॉन्च भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसे किसी रॉकेट की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसरो की माने तो ये एक नया एयरक्राफ्ट कॉस्ट को भी कम करेगा और इसके साथ ही मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा, ऑपरेटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा, सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। TSTO टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अपने टर्बो रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करेगा। ये इंजन इसको ज़मीन से टेक ऑफ करने में मदद करेगा और इसे मैक 6 की स्पीड तक ले जाएगा, जिसके बाद इसका स्क्रैमजेट इंजन काम करना शुरू कर देगा जो कि 28 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। ये इसे मैक 9 की स्पीड तक ले जाएगा और 50 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक ले जाएगा, जिसके बाद इसके सेकंड स्टेज में जो एक रॉकेट लगा होगा उसे एंगेज कर दिया जाएगा और ये इसको 300 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ले जाएगा। वहाँ पर जाकर ये अपना 2 ton का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर कर देगा और उसके बाद इसकी जो स्टेज 1 होगी वो अर्थ की तरफ ग्लाइड डाउन करेगी और अपने टर्बो रैमजेट इंजन को फिर से चला देगी। ये 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड या उससे भी कम एल्टीट्यूड पर जाकर अपने टर्बो रैमजेट इंजन को चला देगा और खुद ब खुद एक लैंडिंग एयर स्ट्रिप के ऊपर लैंड कर देगा। TSTO टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि इसका ग्रॉस लिफ्ट ऑफ मास 133 tons का है जो कि हमारे बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट से थोड़ा ज़्यादा है। इसरो ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कब शुरू होगा और इसके अलावा भी इसरो इससे पहले एक छोटे रीयूसेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम RLV-TD रखा गया था जो कि अपने फुल स्केल वेरिएंट को 2030 तक ही अचीव करेगा। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अभी TSTO टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कॉन्सेप्ट काफ़ी दूर है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट में कुछ ऐसी इंजन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा जिसकी मदद से हम हाइपरसोनिक एयरलाइनर्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह टर्बो रैमजेट इंजन कैसा है और ये क्यों इतना खास है। दोस्तों टर्बो रैमजेट इंजन को हाल ही में तब मेंशन किया गया था जब अमेरिका की एयरफोर्स ने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें वो अमेरिका की एयरफोर्स के लिए एक ऐसा हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट इंजन डेवलप करेगा जो कि उनके Air Force 1 एयरक्राफ्ट को मैक 5 की स्पीड तक ट्रैवल करने की क्षमता देगा। ये एक ऐसा Air Force 1 एयरक्राफ्ट डेवलप करेगा जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक केवल 90 minutes में ही ले जाएगा। आमतौर पर इतनी फ्लाइट में उनको 7 घंटों का समय लगता है और इसको अचीव करने के लिए भी वो एक टर्बो रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करेंगे और इसी टर्बो रैमजेट इंजन को हमारे स्पेस प्लेन में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों एक टर्बो रैमजेट इंजन एक कंबाइंड साइकिल इंजन होता है जो कि टर्बो जेट और रैमजेट इंजन के एस्पेक्ट्स को मर्ज करता है। ये एक तरह का हाइब्रिड इंजन होता है जिसमें एक रैमजेट के अंदर एक टर्बो जेट माउंट किया होता है। जो टर्बो जेट कोर होता है उसे एक डक्ट के अंदर माउंट किया जाता है और इस टर्बो रैमजेट इंजन मोड में एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के वक्त टर्बोजेट मोड में काम करेगा और उसके बाद जब ये लो स्पीड फ्लाइट के ऊपर पहुंच जाएगा तो तब ये रैमजेट मोड को ऑन कर देगा जिससे ये हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक स्पीड्स को अचीव कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अभी के जो कन्वेंशनल रैमजेट इंजन्स हैं या जो स्क्रैमजेट इंजन्स हैं उनके साथ लिमिटेशन ये है कि उनको काम करने के लिए एक खास तरह का एयर फ्लो चाहिए होता है जो कि एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर ही मिलता है। यानी कि इन इंजन्स को काम करने के लिए इन्हें एक रिक्वायर्ड स्पीड और रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड पर होना ज़रूरी है और यही कारण है कि ये टेक ऑफ के वक्त काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको अभी जिन मिसाइल्स के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें इनके साथ एक रॉकेट बूस्टर लगाया जाता है जो कि इनको एक स्पीड के ऊपर ले जाते हैं जिसके बाद ही ये रैमजेट इंजन काम करना शुरू करते हैं।
लेकिन इसी लिमिटेशन को बायपास करने के लिए एक टर्बो रैमजेट इंजन डेवलप किया जाता है, जिसमें इस रैमजेट इंजन के अंदर ही एक टर्बोजेट लगाया होता है जो कि टेक ऑफ के वक्त टर्बो रैमजेट मोड में काम करता है, और जब ये एयरक्राफ्ट एक खास स्पीड के ऊपर पहुंच जाता है तो तब इसका रैमजेट मोड काम करना शुरू कर देता है और ये हाई स्पीड को अचीव कर लेता है। इस इंजन के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए बाईपास फ्लैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब लो स्पीड होती है तो ये कंट्रोलेबल फ्लैप्स बाईपास डक्ट को क्लोज कर देते हैं, जिससे जो हवा होती है वो सीधी टर्बोजेट के कंप्रेसर सेक्शन की तरफ जाती है। लेकिन जब हाई स्पीड फ्लाइट होती है तो ये फ्लैप्स टर्बोजेट को जाने वाली हवा को ब्लॉक कर देते हैं और फिर ये इंजन एक रैमजेट इंजन की तरह काम करना शुरू कर देता है और थ्रस्ट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इस इंजन को एक कंबाइंड साइकिल इंजन भी कहा जाता है। इस इंजन की मदद से हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट भी ज़मीन से रवायती एयरक्राफ्ट की तरह ही टेक ऑफ कर सकेंगे और बाद में हवा में जाकर इनका रैमजेट या स्क्रैमजेट मोड काम करना शुरू कर देगा और ये हाई स्पीड नंबर्स को अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट हमारे इसरो के लिए एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एयरक्राफ्ट साबित होगा, क्योंकि इसकी मदद से इसरो सस्ते दाम पर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।